जय जोहार, मैं सपना बड़ोनिया शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खौली से। हमन देखथन के लोगन मन अपन घर के गाय गरुआ मन ला ढिल्ला छोड़ देते, एकर सेती ओ मन दिन रात सड़क मा घूमते रहते। शहर अउ गांव सब्बो जगह यही हाल है। शहर के गाय गरुआ मन दिन रात सड़क के तीरे तीर एती ओती घूमत रहते, जेकर वजह से आए दिन एमन सड़क दुर्घटना में मारे जाते। लेकिन गांव के गाय गरुआ मन सीधा दूसर के खेत में बारी में घुसर के बिंद्रा विनाश कर देते, जेकर नुकसान होते उही एकर दुख पीरा ल जानते। ऐसे ही आज हमन एक लोक कथा ला सुनथन और ए लोक कथा के नाम है अपन चीज के पीरा। परशुराम के जस नाम तस काम। कहाँ गया स्लाइड? जेन मेर नहीं तेन मेर लाटी अटिया थे और बात बात में अंगरा उगल थे। सोच गोठी आए ला तो जाने नहीं जुच्छा अटेहली मार थे। परशुराम जेन लहो लेथे तेन तो लेथे ओकर ले ज्यादा लहो लेथे ओकर गाय गोदावरी। परशुराम करा कोरी भर गाय है पर गोदावरी के अलगे मिजाज, ढिल्ला चर चर के खूब मोटाए है, लाली रंग बड़े बड़े सी हुमेले बरागू छिल छिल दिखते। ओखर शरीर काठा भर के काचर कसेली भर दूध देते। एकरे भरोसा परशुराम के गोसाई दसरी हा मार अंग भर गहना और माए है। बड़ खुश है परशुराम और दसरी। खुश नहीं है ता उकर बेटा रमेशर रोज रोज के बद्दी ले हलाकान रहे थे। दादा दाई संग बातिक बता घलो हो जाते। फिर नहीं सुधरने वाला है परशुराम। आज फिर बड़े बिहनिया ले रूपऊ हा बत्ती दे बर आए। ओकर कछार बारी के भाटा मिर्चा के फिर सत्यानाश करते ही गोदावरी हा। फूले फले के दिन में चर दे ही रूपऊ छा नहीं तीर तकार के जम्मो खेत खार वाले गोदावरी के मारे हलाकान हैं। गोदावरी को जाने कैसे मन के कस अपन मुड़ के भार राचर ला उसाल देते और घुसर जाते बारी बखरी। कोनो गम नहीं पाए और थोरको ककरो आरोप आते तहां ले पूछी उठा के पल्ला भागते। कोनो ओकर पार नहीं पाए पल्ला भाग के कोठा में घुसर जाते। बद्दी देवैया ला परशुराम उल्टा गारी देवत कही थे। तोर बारी में गाय हा चरत रही तब पकड़ के लाने हस का बड़ा आए हस बद्दी देवैया। मघारे ला देहू लौठी में भाग जा। रूपऊ मने मन में संकल्प ले थे एक न एक दिन पकड़ के दिखाऊ तोर गाय ला। बारी जाते साथ रूपऊ भीड़ के गाय पकड़े के जतन में धरीस कुदारी लानीस झौहा रापा। जेन मेरे ले गाय बारी में बुलके बर पैधे रहे तेन मेर गढ़हरा खने बर भिड़ गए।
बासी पेज खाए ला छोड़ दी। ओला तो परसराम के बात लगे रहे, बने गढ़हरा खन के बड़े बने गढ़हरा खन के ओला डारा पाना मा तोप दीस। एती संजा बेरा गोदावरी बद्दी ले लौटीस, त परसराम गोदावरी ला दुहीस बांधीस औ सोवा परती मा गाय के गेरवा ला छटक दीस। चलीस गोदावरी अपन ठिया मा, सिहना मन सही हाना पारे हो ही, पैधे गाय पछारे जाए। रुंधना ले बुलकत गोदावरी गढ़हरा मा छपा गे, भकरस ले बाजीस और रुपव जान डारीस अब कहाँ जाही। एक मन डर राय कहूँ गाय के गोह टूट जाही, तो उल्टा मोर करलई हो जाही, मर जाही तो गौ हत्या लगी। आधा बल आधा डर करत रुपौ आगे, आधा बल आधा डर करत आगे रुपौ देखते, त गोदावरी गढ़हरा मा औरी भौरी व्याकुल घूमत रहे। आधा बल आधा डर कर रुपौ आके देखते, तो गोदावरी गढ़हरा मा व्याकुल घूमत रहे। बिहनिया परसराम कपाट खोलते तो गोदावरी नहीं रहे, परसराम दसरी ला पूछते तो ओ कहते कहो रुपौ हा बांध छान तो नहीं दिस होही। परसराम कहते ओकर दस पुरखा आ जाही तब्बो गोदावरी ला नहीं बांध सके। बारी के गढ़हरा मा अभरे गोदावरी बछरू के मया मा बाय बाय नरियावे, बाहिर बट्टा अवैया जवैया कतको मन के रुपौ के बारी मा सकला गे। समेलाल कहते आज गरब उतर ही परसराम के, गोदावरी ला खोजत खोजत परसराम लाठी धरे आगे। ओला देख के गोदावरी बाय बाय नरियाए लागी, परसराम के मन मा सबला देख के आगे धतकर फिर का करे चुप्पे चाप रहे। समय लाल कहते गांव भर के खेत खार बारी बेला के बहुत बिंद्रा विनाश करे हंसते हाँ और तोर गाय हाँ। अब काय कहतस गांव में रहना है ता बने रह। दसरी और रमेश्वर घलो बारी मा आ गई, रमेश्वर मने मन भारी खुश होता है। ददच आए त अनियाव के पाठ थोड़े दाबे, एक झन सियान कहते यही मेर मियाँ होना चाहिए एला डांडे ला पर ही। तत्के मा दसरी हाथ जोड़ के कहते दादा हो गलती हो गई, बछरू भूख के मारे मरियावत है, गाय ला निकाल देव, जेन नियाव करहो पाछू करत रहो। समय लाल कहते नहीं नियाव तो अभी हो ही भौजी। चार जन सुनता हो के परस रामला 200 रुपया डांडे और बर्जिन, आज ले ककरो खेत खार ल चराबे झन, गाय ल ढीलबे झन, समझे। दसरी तुरते 200 रुपया लान के पटाईस, रमेश्वर सोचिस चलो अच्छा है दादा के व्यवहार बदलीस। एति ढीला चरे चरे टकराहा गोदावरी अब दुबराय लागी, चोर हा चोरी ला छोड़ दी तो ओला कल नहीं परे। तैसे परस राम के हाल, सोवा परती गोदावरी करा जाए और ओकर गेरवा ला छटकाए के उदिन करे। एक दिन ओकर हाथ ले फिर गेरवा छूट गई, गोदावरी फिर ढेल्ला। रमेश्वर के अपन दाई दद्दा संग
बनित जग रहोगे। ब्रह्मेसर कही थे, सबला अपन चीज के पीरा है, कोनो तोर बारी बेरा खेत खारला चराही ततोला नहीं पिया फी। परसराम कही थे, वाह रे मोर धर्मात्मा बेटा, हरिचंद बने मा पेट नहीं भरे बेटा, कही के परसराम हाँस दिस। परसराम के हाँसी रमेशर के हृदय मा कांटा कस गड़ गई। गाँव मा मड़ई होइस, रतिया नाचा होत रही, सब जन नाचा देखेला चल दी। रमेशर टुकुर टुकुर को जनी काला देखत रहे। परसराम कहते, नाचा देखेला नहीं जास रमेशर। रमेशर कथे, नहीं जाओ ले, नहीं जाते घर लरा, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर परसराम कोठा डहर गीस और गोदावरी के गिर वाला छटका दी। गोदावरी निकल गया अपन बूता माँ। रमेशर मन में सोचते, अपन जिनिस के का पीरा होते, ये तो ददाला सिखोश ल पढ़ी। रमेशर कोठा में जाके सबो गाय गरु वाला अपन बारी में बिल दी। जम्मो गरुआ अभर गई, घर बारी में उमान कस चारा चरे लगी। जम्मो जानवर मिलके बारी ला खुरखुंद कर दी। रात पछलती रमेशर उठ के सबो जानवर ला कोठा में बांध दीस और आके सूत गए। बिहनिया परसराम उठ के बारी डहर गीस, बारी ला देख के अकबका गए। दसरी ला बारी में लेख के देखा थे, दसरी हा रोए लागिस और रो रो के सरापे लागिस। बारी के बिंद्रा विनाश करैया ओकर डेरी में दिया जन भरतीस। रमेशर उठिस और बारी डहर जाके दाई ला कथे, काकर डेरी के दिया ला बुझावत हस दाई, आज तुम्हारे गाय गरुआ हा तुम्हार बारी बेरा ला चरे है, त तुला कटका व्यापत है। सबके पीरा एक होते दादा, सबके माया एक होते दाई, अपन बरोबर सब ला जानी और सब ला एके मानी। रमेशर के सियानी गोट ला सुन के ककरो बक्का नहीं फूटी। आज परसराम और दसरी अपराधी कस खड़े रहे, उहू मनला अपन करनी के ज्ञान हो गए। कुत्ती डहरले उवत सूरज के रूप आज नवा नवा लागत रहे। बच्चों, अब हम इस लोक कथा का सारांश हिंदी में देखते हैं। एक किसी गांव में परसराम नाम का व्यक्ति था, उसके पास 20 गाय बछड़े थे। वह अत्यंत ही घमंडी, उत्पाती और अक्खड़ किस्म का व्यक्ति था, और परसराम से भी ज़्यादा उत्पाती उसकी एक गाय गोदावरी थी। वह दूसरों के बारी में जाकर चरा करती थी। वह मोटी, ताजी, बड़े बड़े सींग वाली, अच्छा दूध देने वाली गाय थी। परसराम और उसकी पत्नी दसरी दोनों उससे बहुत खुश थे, लेकिन उनका जो बेटा था रमेशर, वह खुश नहीं था। वह अलग स्वभाव का था, ईमानदार और दूसरों की पीड़ा समझने वाला, इसलिए उसकी अपने माता पिता से नहीं बनती थी। परसराम गोदावरी को रात में खुला छोड़ देता था और गांव वाले गोदावरी की शिकायत लेकर आते तो वह उन्हें डरा धमका कर भगा देता था। अब एक दिन रात में जब परसराम गोदावरी को गीला छोड़ दिया तो वह जाकर रुपौ के बाड़ी में चली और उसके पूरे बारी का सत्यानाश कर डाली। जब दूसरे दिन रुपौ परसराम के पास आता है शिकायत लेकर गोदावरी की, तो वह उसे डराने लगता है, धमकाने लगता है और कहता है कि अगर वह तुम्हारे बाड़ी में चली है तो तुमको उसको पकड़ना चाहिए था, उसको पकड़ के दिखाओ तब मैं जानूंगा, है ना। तो रुपौ एक संकल्प लेता है कि किसी भी तरह से मैं परसराम की गाय को गोदावरी को पकड़ के ही दिखाऊंगा, और वह अपने घर न जा करके सीधे अपने बारी में जाता है और जुगाड़ में
जुट जाता है कि किसी तरह मैं परशुराम की गाय गोदावरी को पकड़ सकूं, और घर से कुदाल ला करके अपने बाड़ी में जिस जगह से वो गोदावरी अंदर बाड़ी में घुसती है ना, उस जगह में वो बड़ा सा गड्ढा खोद देता है और उसे पत्तों से ढक देता है अब जब परशुराम गोदावरी को ढीला छोड़ता है तो वह क्या करती है, सीधे रूपों की बाड़ी में चली जाती है रात को, और जब जाती है तो वह गड्ढे में गिर जाती है और बाएं बाएं करके चिल्लाने लगती है। ठीक है, अब जो रूपव था वो तो अपने खेत की रखवाली करने के लिए आग जला करके दूर बैठ करके उस गड्ढे की रखवाली कर रहा था, देख रहा था, है ना। तो जैसे ही गोदावरी की आवाज़ आती है तो रूपव समझ जाता है कि इसमें गोदावरी फंस चुकी है, अब वह कहाँ जाएगी। लेकिन उसको मन में डर भी लगता रहता है कि कहीं उसका पैर टूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अगर वह मर जाती है तो मुझे गौहत्या का पाप भी लग सकता है, ऐसा सोचते रहता है। अब जो है रुपऊ के बारी के आसपास में लोग जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी लोग एकत्रित हो जाते हैं और देखते हैं कि गोदावरी उसके फांदा में फंस गई है, तो सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि गोदावरी जो है केवल रुपऊ का ही नहीं बल्कि कई लोगों के खेत को नुकसान पहुँचा चुकी थी, तो सब खुश होते हैं। और इधर परशुराम जब देखता है सुबह कि गोदावरी कोठा में पहुंची नहीं है तो वह उसको ढूंढने निकलता है और वहां पहुंच जाता है, तो परशुराम को देखकर गोदावरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है बाएं बाएं करके, है ना। तो सारे लोग जो है परशुराम को डांटते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा गर्व का जो सिर है वो जरूर झुकेगा, है ना, कितने दिन तुम छुपा के रखोगे ये सब बात को। अब जो है यहाँ की जो बात है वो परशुराम की पत्नी दसरी और रमेश्वर को पता चलती है और उन लोग भी वहाँ पर उस खेत में चले आते हैं। आते हैं तो वहाँ पर पंचायत लगती है, सारे लोग एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि परशुराम को तो इसका दंड मिलना ही चाहिए, है ना। तो जो दसरी रहती है वो कहती है कि आपको जो भी दंड देना हो आप देते रहना, लेकिन पहले जो है इसके गाय को छोड़ दो क्योंकि उसका जो बच्चा है वो भूख के मारे चिल्ला रहा है ना। तो लोग जो है पंचायत में तय करते हैं आपस में कुछ लोग मिलकर के कि इसको 200 रुपए का दंड मिलना चाहिए, और उसे 200 रुपए का दंड देते हैं, साथ ही यह भी उससे मतलब कसम खिलवाते हैं कि आज के बाद वह अपनी गोदावरी को किसी के भी बारी में चिल्ला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दसरी तुरंत 200 रुपए निकाल करके दंड भरती है और गोदावरी को लेकर वहाँ से उन लोग चले जाते हैं। जब ये सब चीज़ रमेश्वर देखता है तो बहुत खुश होता है कि चलो अब इसी बहाने जो है जो पिताजी हैं उनको सबक मिल गया है, अब ये सब काम वो नहीं करेंगे। लेकिन चोर कितने दिन तक खैर मनाएगा, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो करेगा क्या, है ना। ऐसे ही परशुराम भी था, परशुराम क्या करता है कुछ दिन तो गोदावरी को ढीला नहीं छोड़ता है, जिसके कारण गोदावरी जो है घर में घास नहीं खाती, उसको घर का घास खाने नहीं भाता है, है ना, क्योंकि वो दूसरे के बारी में जा जा के ताज़ा घास खाती रहती है, सब्जी भाजी खाती रहती है। तो वो धीरे धीरे गोदावरी दुबली हो जाती है, दसरी भी धीरे धीरे दुबली होने लगती है वो, और गोदावरी दूध भी कम देने लगती है। ये सब देखते देखते परशुराम दुखी रहने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद वह फिर से अपनी चाल चलता है और रात में गोदावरी को फिर ढीला छोड़ देता है। ये सब देखकर रमेश्वर जो है अपने माता पिता से झगड़ा करने लगता है, है ना। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तू हरिश्चंद्र मत बन, क्योंकि हरिश्चंद्र बनने से हमारा पेट नहीं भरेगा, गोदावरी का पेट नहीं भरेगा। ठीक है, और जोर जोर से हंसने लगता है। तो अपने पिताजी की इस हंसी को सुन करके परशुराम उसका बेटा जो है रमेश्वर वह सोचता है कि अब जो है अपने पिता को और माता को जो है सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वह उनको सबक सिखाने के लिए योजना बनाने लगता है। अब 8 दिन के बाद उनके गांव में मेला लगता है तो मेले में रात भर नाचा होता है ना। आप लोग मेला गए हो कि नहीं बच्चों?
तो जो नाचा होता है वो रात भर चलता है, उसमें नाच गाना सब चलता रहता है, डांस चलता है ना। तो परसराम जो है और दसरी मेला देखने जाते हैं, पर रमेश्वर नहीं जाता। तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि रमेश्वर तू मेला देखने नहीं जाएगा? तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब वो सोचता है कि ये एक सबसे अच्छा मौका है जब मैं अपने पिताजी को सबक सिखा सकता हूँ, और वो अपनी योजना को पूर्ण करने के ऊपर जुट जाता है। जैसे ही इन लोग जाते हैं, रमेश्वर अपने ही घर के गाय गरु वालों को क्या करता है, अपनी ही बाड़ी में ढीला छोड़ देता है। ठीक, रात भर वो जानवर जो हैं उनके घर के अपनी ही बाड़ी के पूरे साग भाजी जो भी फला रहता है उन सबको खा लेते हैं, और पैर से खून खून के पूरे बाड़ी को सत्यानाश कर देते हैं। सुबह सुबह रमेश्वर क्या करता है, जैसे ही रात बीतती है तो रमेश्वर अपने घर के जानवरों को वापस अपनी कोठा में बांध देता है और जा करके सो जाता है। ठीक है, अब जब परसराम घर लौटता है तो वह सुबह सुबह अपने बाड़ी की तरफ जाता है, तो देखता है कि उसकी बाड़ी में किसी ने अपने जानवरों को छोड़ दिया है और पूरा बाड़ी खराब हो गया है, सत्यानाश हो गया है। तो एकदम अचरज में आ जाता है और वह अपनी पत्नी दसरी को बुलाता है। तो दसरी जैसे ही देखती है तो बहुत रोती है, बाड़ी को देख के इतनी मेहनत करी और पूरी बाड़ी खराब हो गई है, तो वह बहुत रोती है और रो रो करके श्राप देने लगती है, चिल्लाने लगती है ना कि किसने अपने जानवरों को मेरे बारी में छोड़ा है, तो उसके घर का दिया भी नहीं जलेगा। तो इस तरीके से वह श्राप देने लगती है। तो जब रमेश्वर सुनता है तो वह तुरंत बारी की तरफ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम किसको श्राप दे रही हो, ये सब मैंने ही किया है। आप सबको सबक सिखाने के लिए अपने ही घर के जानवरों को मैंने अपनी बारी में छोड़ा था, ताकि आपको भी समझ में आए कि दूसरे की पीड़ा क्या होती है। जब आपको खुद इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी। अब उसके माता पिता चुपचाप खड़े होकर उसकी बातों को सुनते रहते हैं अपराधी के जैसे, है ना। लेकिन उन्हें अब जो है अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुधर जाते हैं। अब जो नया सुबह था उनके लिए एकदम नया नया था। इसी के लिए तुलसीदास जी ने भी एक पंक्ति लिखी है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। इसका मतलब है दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। तो बच्चों, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो या किसी को कष्ट पहुंचे। तो ये लोक कथा समझ में आई, कैसी लगी? अब जो है हम इस पाठ में आए कुछ छत्तीसगढ़ी शब्दों का हिंदी में अर्थ देखेंगे। तस, तस का अर्थ होता है वैसा, अटियाना यानी अंगड़ाई लेना। गोट, गोट का हिंदी अर्थ होता है बाघ। सरिक, सरिक यानी जैसे। उकर, उकर यानी उसका। बर्दी, गाय का झुंड। ये गाय लिखा हुआ गाय का झुंड, लेकिन वहां पर गाय के अलावा जो दूसरे जानवर होते हैं उनके झुंड को भी हम बर्दी ही कहते हैं। जानवरों की जो झुंड जाता है आप देखें गांव में, उसको बर्दी कहते हैं। गोड़, गोड़ यानी पैर। मुड़ी, मुड़ी यानी सिर। तो ये इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे छत्तीसगढ़ी के, उसका हमने हिंदी में अर्थ देखा। अब आगे देखते हैं, इन शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। बच्चों अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, और शब्द से वाक्य बनाना है तो आप भी कोशिश कीजिए। बिहनिया, बिहनिया मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? बिहनिया यानी सुबह सुबह। आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलो बेटा।
बियनिया यानी वेरी सुबह गुड। तो इसका हम सुबह वाक्य बनाएंगे, आप कोई वाक्य बता सकते हो? चलो सुनो, जैसे बड़े बिहनिया जम्मो मनखे मन काम बूता म निकल जाते, ठीक है। अभी दूसरा शब्द दे रहे हैं हम बातिक बाता। बातिक बाता मतलब क्या होता है? नंदिनी साहू बातिक यानी बहस करना या झगड़ा होना। तो इसका वाक्य बना सकते हो नंदिनी? हाँ, बातिक बाता का वाक्य बना सकते हो आप? अच्छा सुनो, थोकन जगह पर भाई भाई बातिक बता हो जाते, ठीक है। जम्मो, जम्मू का वाक्य बनाएंगे हम। जम्मू यानी सभी। जम्मू संगवारी रायपुर घूमे बा जाबो, ठीक है। पैधे, पैधे यानी जमे रहना एक जगह पर। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, हर ही गाय ह कांदी चरे बर खेत मा पैध गे हे, ठीक है। सुनाई दे रहा आप लोगों को? हाँ मैडम, चुप्पे चाप, चुप्पे चाप यानी चुपचाप चुपचाप, वेरी गुड। चुपचाप इसका वाक्य बता सकते हो? हेडमास्टर के कक्षा में घुसते सार जम्मो लइका मन चुप्पे चाप हो गए, ठीक है। ऐसे ही वाक्य आप लोगों को भी बनाना है अपने मन से। नवाय, नवाय यानी झुकना। दाई के डांट डपट मा लइका मन मुरला नवाय बैठे, ठीक है। हाँ, अगला वाक्य, अगला शब्द मैम, देखते हैं हम। पीरा, पीरा यानी दुख, पीड़ा यानी क्या होता है? पीड़ा, दर्द, दुख, तकलीफ, है ना, कष्ट। तो माँ बाप के हृदय के पीड़ा ल जम्मो लइका ल समझना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कुछ शब्दों को आप लोग लेंगे और उसके वाक्य बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम हाँ शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना वाक्यांश, वैसे ही हाँ है ये छत्तीसगढ़ी में आपको बताना है। गाय बैल के इकट्ठा होने का स्थान, उसे हम क्या कहते हैं? रैहान, वेरी गुड, दईहान, है ना। बड़े भाई की पत्नी, उन्हें क्या कहते हैं? भौजी, भौजी। वाह, भौजी, हाँ एकदम किया। घर का स्वामी, उसे क्या कहते हैं? जो घर, गोसाइयों, क्या कहते हैं? गोसाइयों, गोसैया, वेरी गुड। अच्छा, 20 गोसैया, की संख्या वाला जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कोरी, कोरी, है ना। जैसे दर्जन में 12 चीजों के लिए हम उसे एक दर्जन कहते हैं, वैसे ही 20 की संख्या के लिए हम कोरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आप लोग जानते ही हैं। योजक का मतलब ही होता है जोड़ना, है ना। योजक चिन्ह में कई बार दो, जैसे जो दो शब्दों को जोड़ा जाता है ना, तो कई बार किसी शब्द का कोई अर्थ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसे एक साथ बोलते हैं। खाना पीना, यहाँ वहां जाना, यहाँ इस टाइप से हम बातें करते हैं ना, तो कई बार उन शब्दों का अर्थ भी नहीं होता है, लेकिन हम जोड़कर बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में देखो, इस पाठ से संबंधित योजक चिन्ह है, बातिक बाता, तीर तकार, खेत खार,
मने मन, बारी बखरी, छील दाई ददा, छिल छिल, छील बड़े बड़े बड़े, बड़े भूख प्यास, भूख। दुहिस बांधिस, है ना। और इस तरीके से जो योजक चिन्ह वाले शब्द होते हैं, इनको हमेशा हम एक साथ ही उच्चारित करते हैं। आप लोग बताएंगे कोई सा एक योजक साथ चिन्ह पाठ में से? हाँ, मैडम। हाँ हेलो नंदिनी, हेलो, काय कौन सा केस योजक मैडम, चिन्ह? बतावा। भाई हाँ बिल्कुल, बहन। भाई बहन, बढ़िया। और बताओ। हाँ, लेकिन ये तो अपन का हिंदी में है ना, तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? भाई बहनी। वेरी गुड, ऐसे ही छत्तीसगढ़ी के शब्दों का योजक चिन्ह बताओ। आप योजक शब्द बताओ। बिंद्रा बिंद्रा बिनास, अभी पढ़े अपन, है ना। रो रो के, सरापे बखाने, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, आपको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए अब कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है जो वैकल्पिक है ना, ये आपको बताना है, इस कहानी से संबंधित है। एकर भरभस टूटना चाहिए, काकर बर केहे गेहे। किसके लिए कहा गया है ये? दसरी बर, रूपव बर, सबे लाल बर या परस राम बर? अच्छा, मैडम फिर से बोलना। एकर भरभस टूटना चाहिए, ये किसके लिए कहा गया है? दसरी के लिए, रूपव के लिए, समय लाल के लिए या फिर परशुराम के लिए? रुपाव के लिए नहीं, रूपव का भरभस तो था ही नहीं। किसका था? गोदावरी किसकी थी और किसका भरभस था? हाँ, तो इसका उत्तर होगा परशुराम, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न सुनो। हमें। हाँ तोर बारी म गाय ह चरत रहीस, तब पकड़ लाने हंस का, कौन हा कौन ला कहीस। किसने कहा था किसको, किसने किससे कहा? रमेश्वर हा रूपव ला कहीस, रूपव हा समय लाल ला कहीस, परस राम हा रूपव ला कहीस या दसरी हा रूपव लाल ला कहीस? कौन किससे कहता है? परस वेरी गुड, परसराम जो है वो राम रूपव से कहता की। है। हाँ, वेरी गुड। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं हम। कोठा के कचरा हा सड़े के बाद काय बनते, है ना। कोठा का जो कचरा है वो सड़ने के बाद क्या बनता है? रासायनिक खातू, यूरिया खातू, जैविक खातू या पोटाश खातू, क्या बनता है? जैविक खातू। वेरी गुड नंदिनी, बहुत अच्छा, जैविक खातु इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, गोदावरी कौन रही है ना? परसराम के बकरी, परसराम के गाय, रूपव के गाय या समेलाल के गाय? कौन थी गोदावरी? परसराम के बकरी, परसराम के परस गाय, रूपव के गाय या समेलाल के गाय, क्या है सही उत्तर? राम के कौन थी गोदावरी? गाय। वेरी गुड, परसराम के गाय, मतलब नंदिनी ने पूरा सुना है कहानी। हाँ, अगला प्रश्न सुनो। परसराम के जस नाम खालिस्तान काम, आपको ये खाली जगह में भरना है। बस, तस, फिर से। अच्छा, प्रश्न फिर से बोल रही हूं मैं। परस राम के जस नाम, फिर खालिस्तान है काम, तो
तो उसमें क्या आना चाहिए? बस काम, तस काम, कस काम या टस काम? तस काम। परशुराम के जस नाम तस काम। जोर से तस। वेरी गुड। परशुराम के जस नाम तस काम। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दिया है। अब इसमें एक चीज मैं और बोलना चाह रही हूँ, हाना है ना, इसमें कुछ हाना का प्रयोग किया गया है। आप जो है कक्षा छठवीं में जब थे तो कक्षा छठवीं में हाना का एक पूरा का पूरा पार्ट था और उसमें बहुत सारे हाना बताए गए थे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं है ना हाना। और कई जगह में इसको भांजरा भी कहते हैं हाना को, और हिंदी में जो है हाना को लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक धन उक्ति, यानी लोगों के द्वारा किसी घटना को लेकर कही गई बात। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, अकल बड़ी या भैंस, आम के आम गुठली के दाम, है ना। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी कई प्रकार से हाना है, मही मांगे ला जाए ठेठवा लुकाए, खाए बर्जरी बताए बरबरी। ठीक है, इसी प्रकार से आप छठवी में भी पढ़े हैं तो आप कम से कम 5 छत्तीसगढ़ी हाना जो है उसको नोट करेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो है आपको इस कहानी से संबंधित कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा बताओ तो परशुराम के स्वभाव कैसे रही? परशुराम के स्वभाव कैसे रही? परशुराम के स्वभाव, हाँ परशुराम के स्वभाव, पता है? परशुराम अखड़ और अड़ियल स्वभाव के आदमी रही। बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम सही है ना। अच्छा अब बताओ गोदावरी है काकरबारी में जाके चरे? गोदावरी है रूपऊ के बारी में जाके चरे। वेरी गुड। पूरी कहानी को नंदिनी ने बहुत ध्यान से सुना है ना, और सभी प्रश्नों का जवाब अच्छे से दिया है। अब जो है थोड़ा सा गृह कार्य लिख लेते हैं। ठीक है, तो गृह कार्य के लिए पहला प्रश्न है आपके लिए कि रमेश्वर के जगह तुमन होते हो तो क्या करते हो? ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है? जैसे रमेश्वर अपने माता पिता के आचरण से, उनकी आदतों से खुश नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो वो क्या किया, उनको सबक सिखाने के लिए योजना बनाया। तो आप अगर रहते रमेश्वर के जगह तो आप क्या करते? ठीक है, इसका उत्तर लिखना है आपको। और दूसरा प्रश्न है, तुम्हार घर या पास पड़ोस में कौन कौन बात में झगड़ा होते और झगड़ा के सुधार कैसे करे जा सकते, लिखाओ। ठीक है, आप देखो कि आपके आस पड़ोस में किस किस बात में झगड़ा होता है और उस झगड़ा में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये लोक कथा आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही कोई कहानी लेकर के हम अगली क्लास में फिर आएंगे। ठीक है, चलो जय जोहार।